हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 के बारे में। ये लेटेस्ट मॉडल है, इसके पहले 411 आती थी, उसका अपडेट करके 452 सी सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया। इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज कितना मिल जाती है, खरीदने के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही ये भी बताएंगे आपकी हाइट कितना होना चाहिए इसको चलाने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे होंगे और अगर आप देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे होंगे, रॉयल एनफील्ड शोरूम पर संपर्क कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि देवरिया सलेमपुर रोड पर है, सोंदा चौराहे पे, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। आज इस वीडियो में बात करते हैं हिमालयन 452 के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाता है। ये इसका हैंडलेप ब्लैक कलर है, जो कि टॉप मॉडल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके लुक से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फ्रंट से लुक देख सकते हैं। इसमें आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो राउंड शेप में हेडलैम्प दिया गया है और यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, जो इसका इंडिकेटर है वो आप देख सकते हैं, LED के साथ मिल जाती है। बाकी जब चाबी लगाते हैं तो इसका जो लो बीम है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है और इसका जो इंडिकेटर है वो भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको LED के साथ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो फ्रंट फेंडर है आपको काफ़ी ऊपर तक मिल जाता है और यहाँ पे आपको ग्राफिक्स से मिल जाती है। बाकी यहाँ पे नीचे की साइड मडगार्ड भी दिया गया है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है तो यहाँ पे आपको मडगार्ड नीचे के साइड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ओक व्हील आपको मिल जाएंगे और इसका जो टायर का पैटर्न है वो भी देख सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए आपको मिल जाती है। नीचे की साइड आपको हिमालयन का येलो कलर के साथ ब्रांडिंग मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे डिस्क मिल जाता है। और साइड लुक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग मिल जाएगा, कुछ ऐसे आपको फेंडर्स वगैरह देखने को मिल जाती है, ग्रिल दी गई है। तो दूसरे साइड से इसका आपको ओवरऑल लुक दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका आप लुक चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में दिखने वाली मोटरसाइकिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको श्राउड्स इधर भी देखने को मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। टैंक आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है और यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी अलग से पार्ट नहीं लगाया गया है। बाकी ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हिमालयन रॉयल एनफील्ड का स्टिकर दिया गया, E20 फ्यूल कैपेबल भी है। जो इसका फ्यूल कैप है ये भी देख सकते हैं, बाकी जो इसका हैंडल बार है ये भी चेकआउट कर सकते हैं। मीटर कंसोल की बात आगे करेंगे, उससे पहले आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, हिमालयन के यहाँ पे स्टिकर दी गई है और साइड में भी आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएगी। इंजन इसमें आपको पूरी ब्लैक मिल जाएगा। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेस प्लेट भी नीचे की साइड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मेन स्टैंड दिया गया है और यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं आपको टूटित मिल जाती है, तो ऑफ रोडिंग के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो राइडर्स का जो ये फुट पोजिशन है ये भी दे सकते हैं और इसमें जो रबर लगी हुई है इसको ऑफ रोडिंग इसमें निकाल भी सकते हैं। और जो पिलियन का फुट रेस्ट है ये भी आप देख सकते हैं। जो इसका एग्जॉस्ट है वो आप देख सकते हैं, सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाती है। व्हील्स आपको यहाँ पे कलरफुल मिल जाता है येलो कलर के साथ और अंदर की साइड आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाएगा। बाकी इसमें स्प्लिट सीट दी गई है और सीट की जो कुशनिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीट के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग भी मिल जाएगा। पीछे की साइड यहाँ पे आपको कैरियर मिल जाता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 7 kg तक वेट रख सकते हैं, टॉप बॉक्स वगैरह यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। रियर लुक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का स्टिकर यहाँ पे भी दिया गया है, जो इसका इंडिकेटर लाइट है वो भी देख सकते हैं। बाकी नीचे की साइड आपको और नेम प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट मिल जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। दूसरे साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम लुक यहाँ इधर भी देखने को मिल जाती है, सेम ग्राफिक्स दी गई है। नीचे की साइड यहाँ पे लेग गार्ड आपको मिल जाएगा और नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे ओपन चैन मिल जाता है, फुट पोजिशन इधर भी सेम मिल जाएगी और जो इसका गियर लीवर्स है वो देख सकते हैं, राइडर्स का फुट पोजिशन देख सकते हैं, इंजन पूरी ब्लैक मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे आपने लुक देख लिया है। बाकी यहाँ पे इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको लिक्विड कूल 4-वाल्व इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। इसका जो इंजन है 40.02 PS का पावर और 40 Nm का टॉर्क जन करती है। बाकी इसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट के साइड अप साइड डाउन फोक सस्पेंशन मिल जाता है और रियर के साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंकेज मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाता है, एडजस्ट भी कर सकते हैं, मल्टी लेवल एडजस्टेबल दिया गया है। टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रंट के साइड देखेंगे तो 90x90 का 21 इंच के यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं और ये स्पोक व्हील के साथ आती है। फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, बायब्रेक के यहाँ पे कैलिपर्स भी दिए गए हैं। रियर के साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 140x80 का 17 इंच के यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं और पीछे का टायर साइज
17 इंच का मिल जाता है, फ्रंट में 21 इंच मिल जाता है। स्पोक व्हील यहाँ पर भी दिए गए हैं और इसमें रियर के साइड आपको 270mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, तो फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक के साथ आती है। बाकी इसके फीचर्स की बात करें, इसमें आपको फीचर्स कौन कौन से मिल जाएंगे, ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है, फ्रंट और रियर दोनों में आपको ABS मिल जाता है। बाकी इसमें LED हेडलैम्प सेटअप भी दिया गया है, तो फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप के साथ ही आती है। बाकी इसके दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, ये TFT डिस्प्ले है जो कि 4 इंच के साथ मिल जाती है, राउंड शेप में मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड की सबसे अपडेटेड ये मीटर कंसोल मिल जाती है। इसके डिस्प्ले को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे एक टॉगल बटन दिया गया है और होम का बटन यहाँ पे दिया गया है। होम पे आप जैसे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप की जानकारी, नीचे आएंगे आपको यहाँ पे आपको ट्रिप टू जानकारी मिल जाएगी, फ्यूल की जानकारी मिल जाएगी, माइलेज मिल जाएगा, वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे स्विच दिया गया है मोड का, जहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे राइड मोड, परफॉर्मेंस, ABS ऑन ऑफ, ये सारी भी जानकारी इसके डिस्प्ले में मिल जाती है। बाकी इसमें आपको गूगल मैप्स के जरिए मैप भी मिल जाता है, जो कि आप जब आप पेयर करेंगे अपने ब्लूटूथ से तब आपको यहाँ पे नेविगेशन का फीचर मिल जाएगा। तो काफ़ी अपडेटेड यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाती है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी दिया गया, अपने स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। स्विचेस की बात करिए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बार पे आपको हेडलैम्प, हाई बीम और पासिंग स्विच चेकिंग दिया गया है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको टॉगल बटन मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, तो हॉर्न सुन लेते हैं। दूसरी साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिल जाता है, मोड का बटन मिल जाता है और यहाँ पे हजार्ड का बटन दिया गया है, तो हजार्ड ऑन कर देते हैं तो देख सकते हैं कुछ ऐसा हजार्ड ऑन हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको स्पीड सीट मिल जाती है और इसके अलावा आप देखेंगे तो राइड बाय वायर भी इसमें दिया गया है। ये सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 30 mpl तक इसमें आपको माइलेज आराम से मिल जाएगी। वहीं इसके डायमेंशन की बात करिए तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 230mm तक ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट की हाइट 805mm है, जो कि 825mm तक आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 70 लीटर दी गई है। बाकी जो इसका वेट है 196 kg है। बाकी जो इसकी सीट हाइट है मैं आपको अभी लास्ट में चेकआउट करके दिखा दूंगा कितना हाइट होना चाहिए इसको चलाने के लिए। तो ये सारे फीचर्स इस लुक के साथ आपको मिल जाएगी। बाकी जो इसका हेडलैम्प है वो भी आपको एक बार जला के दिखा देते हैं। इसका आप हेडलैम्प का ब्राइटनेस देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट आपको हेडलैम्प मिल जाता है। LED के साथ ये हेडलैम्प दिया गया है, तो इस लुक के साथ आपको मिल जाती है। बाकी जो इसका साउंड है ये भी आप देख सकते हैं, मैंने साउंड भी आपको सुना दिया है, तो इस लुक के साथ आपको मिल जाती है। इसका सीट हाइट है वो भी आपको चेकआउट यहाँ पे कराते हैं। मेरी जो हाइट है 5'7" है और इस हिमालयन 452 का जो सीट हाइट है यहाँ पे 805mm है, 825mm तक आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट पोजीशन आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाता है, तो यहाँ पे सीट की अगर बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। अगर आपकी हाइट मेरे जितना है 5'7" है, यहाँ पे आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो पैर के में दोनों पंजे आराम से नीचे आ जा रहे हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी होगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी आप शोरूम पर आकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि आपके सीट के हिसाब से बढ़िया है, कम्फर्ट है या फिर नहीं है। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे तो ये कम्फर्टेबल लग रही है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल सीटिंग पोस्टर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो अगर आप देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे होंगे तो सुप्रीम मोटर्स पे इसका जो एक्सम प्राइस है 2,98,000 यानी कि 2,98,000 रुपये तक है, ये इसका टॉप मॉडल है। बाकी ऑन रोड प्राइस आप शोरूम पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ऑन रोड प्राइस आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस है थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस वीडियो मैंने आपको ECET जितनी भी जानकारी थी वो आपको ये दिया है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की आपको एक ऑफ रोडिंग वाली ये बाइक लेटेस्ट मॉडल यही मिल जाती है। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिमालयन 450 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।